मैं आपको कह रहा हूं, जब आप प्रभु की संगति में रह रहे हैं, आप उसकी संगति कर रहे हैं, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, और जो आपके सामने वॉल है, जो दीवार है, जो आपकी सफलता के सामने एक दीवार है, वो टूट कर गिर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके लिए कोई भी चीजें असंभव नहीं हो सकती, सब कुछ संभव होगी, क्योंकि हमारे साथ कौन है, हमारी आत्मा के साथ एक आत्मा कौन हुआ है, वो जिसकी बात को आंधी तूफान मानते थे, जिसकी बात को, जिसकी आवाज को सुनकर चार दिन से जो मरा हुआ लाजर था वो कब्र से बाहर आ गया, जिसकी आवाज को सुनकर विधवा का जो जवान बेटा था वो जिंदा हो गया, याइर की बेटी जिंदा हो गई, जिसके छूने से कोढ़ी शुद्ध हो गया। हम उस परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, उसकी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। आज संसार में लोग, कोई ताकतवर व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के साथ जब एक हो जाता है, लोग उससे लड़ने से डरते हैं। सही बात है कि नहीं? वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर की आत्मा आप जैसे कमजोर, हम जैसे कमजोर व्यक्ति के साथ, जो हम पापी थे, लाचार थे, भटके हुए थे, शैतान हमें दबा के रखता था, जब वो हमारे साथ एक हो रहा है, शैतान हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता, शैतान हमें हरा नहीं सकता, नहीं हरा सकता। हालेलुया। इसका मतलब जब वो हमें नहीं हरा पा रहा है, इसका मतलब हम उसे हरा रहे हैं, हम उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले, जब कभी भी किसी के ऊपर दुष्टात्माओं के जब अटैक होते थे, लोग किस तरीके से, दुष्टात्मा जिसके ऊपर है, लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि निकल जाइए, आपको क्या चाहिए, आपके लिए व्यवस्था होगी, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन आज जो मसीह में लोग हैं, उसे कमांड करते हैं, वो बाहर जाती है। हालेलुया। इसका मतलब अब हम उसके ऊपर अधिकार को रख रहे हैं, अब वो हमारे पैरों तले है यीशु के नाम में। हालेलुया। देखिए जवान लोग, आप एक बात और समझने की कोशिश करें। आप मत सोचिए कि मैं बीमार नहीं हूं तो शैतान मुझ पे कब्जा नहीं कर रहा, शैतान मुझ पे हावी नहीं है। आप गलत चीज में हैं, आप व्यभिचार में फंसे हैं, ये शैतान का अटैक है। आप मत सोचिए कि आप, आपको केवल एक कोई एक्टिविटीज होगी, आपके अंदर कार्य होगा, आप हिले डुलेंगे तभी दुष्टात्मा काम कर रहा है। नहीं, यदि आप आज व्यभिचार में हैं, वो दुष्टात्मा का अटैक आपके जीवन में है, वो आपको नष्ट करना चाहता है। यदि आज चोरी की लत है आपके जीवन में, वो दुष्टात्मा का अटैक है। आप माँ बाप की बात नहीं मानते, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, माँ बाप को कोसते हैं आप, ये दुष्टात्मा का अटैक है आपके जीवन में, आपकी फैमिली में। आज आपके पति पत्नी में नहीं बनता, आप झगड़े में हैं, यह अटैक है दुष्टात्मा का। इसके ऊपर कब्जा आपको लेना होगा, नहीं आने वाला जो समय है बहुत ही खराब हो जाएगा। आपके बच्चे जो होंगे वो भी अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो दुष्टात्मा अटैक करके रखेगा, कब्जा करके रखेगा। हालेलुया। सो जब आप सच्चाई को सुन पा रहे हैं, आप सच्चाई को सुन पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं, तो आपको इस सच्चाई को अपनाना चाहिए और यीशु की संगति करना चाहिए और उसके साथ एक हो जाना चाहिए। दुष्टात्मा के अटैक को जो होते थे उसको बंद करना चाहिए, अब हमें उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। हालेलुया। जब आप बेविचार में फंसे हैं, ठीक है, आप उसको छोड़ दे रहे हैं, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, किसके ऊपर, दुष्टात्मा के ऊपर। आप चोरी करना छोड़ रहे हैं, आप दुष्टात्मा के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप किसी को जो गलत है उसे आप, उस गलत चीज से आप निकाल रहे हैं, व्यभिचार से फंसा उसको निकाल रहे हैं, नशे में फंसा उसको निकाल रहे हैं, आप शैतान को हरा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक शक्तियों से है। हालेलुया। देखिए सब, हर एक मानव जात के ऊपर आत्मिक शक्तियां काम करती हैं। दो आत्मिक शक्तियां हैं, या तो परमेश्वर की शक्ति काम करती है, तो दुष्टात्मा की शक्ति। जो लोगों को समझ भी नहीं आता, वो
ऐसे गुस्सा होते कि आत्महत्या के लिए भागते हैं, परंतु उनको लगता है कि ये तो दुष्टात्मा का अटैक नहीं है, क्योंकि दुष्टात्मा का अटैक का मतलब एक्टिविटीज कोई होगी, एक कार्य होगा, लोग हिलते डुलते हैं, है ना। आपने देखा होगा लोगों के अंदर दुष्टात्मा आती है तो वो हिलता है, झूमता है, जिसे कहते हैं खेलता है। तो आपको लगता है ऐसे कुछ होता है, तब होता है दुष्टात्मा का अटैक। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, जब आप गुस्सा करते हैं, आपके फैमिली में आप झगड़ा करते हैं और आप भागते हैं आत्महत्या के लिए, इसका मतलब है दुष्टात्मा का अटैक आपके जीवन के ऊपर है। हालेलुया। मैंने देखा है चर्च में, चर्च की संगति में लोग बहुत शांत रहते हैं, वो कहते भैया नहीं, दुष्टात्मा का कभी अटैक नहीं हुआ था, परंतु जब प्रार्थना होने लगती है तो दुष्टात्मा उनके जीवन से निकलता है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ एक होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप एक नहीं होंगे, अलग अलग हैं, परमेश्वर से आप अलग हैं, ये शैतान कभी भी आपको मारेगा, सताएगा, आपकी फैमिली को नष्ट करेगा, आपको गरीबी में रखेगा, लाचारी में रखेगा, अटैक्स में रखेगा, बच्चों में अशांति को रखेगा, पति पत्नी में झगड़ा उत्पन्न करके रखेगा। परंतु जब आप एक हो जाते हैं, अब उसके पास ताकत नहीं कि वो आपको छू सके, अब उसके पास ताकत नहीं कि आपके ऊपर अटैक कर सके, अब उसके पास ताकत नहीं कि आपकी बुद्धि को बंद कर सके, आपकी पढ़ाई करने का मन ना लगे, उसके पास ताकत नहीं है। मैं कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर के साथ एक हो रहे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी हो रही है, यीशु के नाम में आपकी बुद्धि अच्छी हो रही है। आप जो बहुत जल्द भूल जाते हैं किसी भी चीज को, आपकी बुद्धि अच्छी होगी यीशु के नाम में। जिस भी चीज को आपने देखा है कि वो बिगड़ रहा है, परंतु आप जब एक हो रहे हैं, आप बनते हुए देख रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छा सुंदर परिवार होते हुए देख रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जिन्होंने देखा कि आपकी फैमिली खराब हो रही है और चर्चा उन्होंने कर दिया कि उसकी फैमिली खराब हो गई, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, परंतु जब आप प्रभु की आत्मा के साथ एक हो रहे हैं, वो आपकी फैमिली के बारे में कहेंगे दूसरों से कि उसकी फैमिली अब सुधर गई, कारण क्या है, तो बाद में पता चलेगा ये यीशु की संगति करते हैं। हालेलुया। यीशु को अपनाया इन्होंने। हालेलुया। सब कुछ, अच्छा जीवन जीना, अच्छे आचरण में जीना, अच्छे व्यवहार के साथ जीना यीशु मसीह सिखाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं है। आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा होंगे, जो आपको असंभव दिख रहा है ना, वो आपके लिए संभव होने पाएंगी और आप दूसरों के आशीष के कारण बनने पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया।